इज मिस्टेक सी फ्रॉम मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू फ्रेंड्स और ये है आपके लिए नई रीडिंग फ्रेंड्स नो कॉन्टैक्ट व्हाट्स हैपनिंग विद योर पर्सन यस काफी सारे लोग ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे आ गई चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स लाइक कर लो शेयर कर लो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए प्लीज विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है हो सकता है रेजोनेट करे हो सकता है ना करे सो जो कर रहा है उसे रख लो बाकी को जान दो एंड टाइमलेस है ये रीडिंग फ्रेंड्स आप इसे कभी भी चेकआउट कर सकते हो आपको रेजोनेट करेगी और आपकी सिचुएशन को हेल्प भी करेगी एंड व्हाट एल्स फ्रेंड्स 2024 की ईयरली मैंने सिंगल साइन रीडिंग्स कर दी हैं फ्रेंड्स काफ़ी सारी तो आप उसे चेकआउट कर लो इस चैनल पे मैंने मेन चैनल मैजिक विंस टैरो पे भी काफ़ी सारी रीडिंग्स पोस्ट करी हैं चार्म्स के साथ आप रीडिंग देखना चाह रहे थे तो वो मैंने वहाँ पे पोस्ट करी है मैजिक विंस टैरो पे लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है फ्रेंड्स आप वहाँ से टाइम स्टैम्प से चेक कर लो लिंक से और तो फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है फ्रेंड्स हाँ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बाय करना चाह रहे हो तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट अभी तो मैं फुली सोल्ड आउट हूँ सो अगर आप बुक कराना चाह रहे हो तो या गिव सम टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आई विल रिप्लाई बैक जैसे ही आपका मैसेज आएगा उस पर सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स उप्स नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है और यहाँ बहुत सर्दी है फ्रेंड्स आज अगेन आई डोंट नो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है काफ़ी वेदर इज अ लिटिल ऊपर नीचे कभी सर्दी कम हो जाती है कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है सो लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट अगर है तो व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर पर्सन ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स आपकी लाइफ में दिस पर्सन कुड बी समबडी यू आर इन लव विद या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं लवर सोलमेट या कोई कलीग वगैरह बॉस भी हो सकते हैं ऑफकोर्स सो लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम व्हाट इज़ हैपनिंग विद अ व्यूअर्स पर्सन लेट्स सी और आई डोंट नो मेरी रिंग्स विल नॉट स्टे एट अ प्लेस What is happening with a viewer's person? Let's see theme. Knight of Wands. So आपके person काफ़ी passionate feel कर रहे हैं friends आपको लेके काफ़ी passion है उनके अंदर definitely ये person fire sign हो सकते हैं Aries, Leo, Sagittarius या इनका काफ़ी सारे planets fire sign में हो सकते हैं Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Pentacles. आपके person Capricorn, Virgo, Taurus भी हो सकते हैं या आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस तो डेफिनेटली आप उनके दिमाग में हो आपके मन में आपके पार्टनर के मन में आप डेफिनेटली चल रहे हो आई फील फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बेहद बे इंतहा मोहब्बत करते हैं बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस वगैरह ही हो एक्चुअली लाइक यू गाइस हैव मेट एट वर्क और समथिंग लाइक दैट आई ऑल्सो फील मुझे आई फील वेरी स्ट्रांगली फ्रेंड्स दैट ये पर्सन जो है डेफिनेटली काम में खुद को बिजी रखते हैं ताकि आपको याद ना करें यू नो या बहुत ज़्यादा याद नहीं आए यू नो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एंड रैशनलाइज देयर पैशंस फॉर यू आई फील उन मतलब You are like a joy ride, dream ride, or something very magical for this person. और आपको सोचते हैं तो वक्त निकल जाता है उनका तो ज़्यादातर काम में फोकस रख कर रहे हैं कि यू नो ताकि डाइवर्ट कर सकें खुद को नाइन ऑफ कप्स ओ माई गॉड सो डेफिनेटली काफ़ी प्यार और मोहब्बत है आपके पर्सन के मन में फिलहाल दे आर थिंकिंग वेरी रोमांटिकली अबाउट यू ऑल्सो कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन आई ऑल्सो फील काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं या आपके पर्सन को अफेक्ट कर रहे हैं फिलहाल ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके मन में एक से ज़्यादा पर्सन रहे हों इस रीडिंग के लिए सो वो यहाँ पता चल रहा है थीम के अंदर बट आई फील डेफिनेटली योर पर्सन हैज़ डीप फीलिंग्स अबाउट यू लॉट ऑफ पैशन प्यार मोहब्बत काफ़ी लग रहा है बट आई फील कि वो सब कुछ छोड़ के इसको यू नो लाइक अपने आप को हाउ डू यू से लाइक यू नो बहका के खुद को वर्क पे फोकस कर रहे हैं लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग विद अ व्यूअर्स पर्सन ओके द मून यस कांट लिव विदाउट यू आई फील सो मच लव फॉर यू आई ऑल्सो फील कि जो रिसेंट अभी फुल मून रहा था लास्ट वाला लास्ट मंथ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा आपके कनेक्शन के अंदर अभी न्यू मून भी रहा है तो आई फील दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी एक और न्यू फुल मून आने वाला है थोड़े दिनों में अराउंड द 27th
ऑफ दिस मंथ. सो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो नेक्स्ट फुल मून है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके इस कनेक्शन के लिए फ्रेंड्स, बिकॉज आई फील आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स काफ़ी डीप हो रही है, उनको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है. पेज ऑफ पेंटिकल्स के प्रिकॉन वर्गो टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन. आई फील दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू ऑल्सो. एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बार बार सोच रहे कि हो सकता है उन्होंने ही ये रिलेशनशिप ख़त्म करा हो. सो दे आर थिंकिंग अ लॉट कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, वाई दे एंडेड थिंग्स विद यू, वाई वर दे सो स्टूपिड विद यू द वर्ल्ड, या वाई आई एंडेड थिंग्स, आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स. द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो दे वॉन्ट टू कम्प्लीट दैट रिलेशनशिप और दे वॉन्टेड टू एंड एंड एस्केप. यू नो बटरफ्लाई इज़ लाइक आई वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. आई ऑल्सो फील आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि ये चीज़ अब ख़त्म हो जाए, आप लोग वापस कॉन्टैक्ट में आ जाओ. लाइक चेंज, दे वॉन्ट चेंज द लवर्स. येस दे डू मिस यू फ्रेंड्स. एंड आई ऑल्सो फील लाइक योर पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू, लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन फॉर यू, लॉट ऑफ फैंटेसी ऑल्सो. ये बहुत ही आपके बारे में फैंटिसाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगा हो दिस पर्सन इज जस्ट लस्टी अबाउट यू, नथिंग यू नो लाइक नथिंग लव और लवी डवी, इट्स जस्ट नॉट रोमांटिक, इट्स जस्ट लस्ट. मे बी आपने उनको ये कहा हो, यू आर जस्ट इन टू लस्ट मे बी. आई डू फील इनके एक से ज़्यादा, आपके पर्सन के एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील अगर ये न्यू पर्सन है तो आपको डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन काफ़ी लस्टी है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, इनके काफ़ी फ्लिंग्स चल रहे हैं यू नो. सो आई दिस पर्सन, लेट्स क्लैरिफाई दिस. या पेज ऑफ कप्स, आई फील दिस पर्सन इज़ रियली इमेच्योर फ्रेंड्स. आई थिंक एक वक्त था जब ये बहुत ही इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे आपके साथ, इन्होंने आपको बहुत ही ग्रांटेड लिया है. ऑल्सो हो सकता है ये पर्सन आपके कॉलेज वगैरह से रहे हो, लाइक दिस पर्सन कुड हैव बीन द फर्स्ट क्रश और द फर्स्ट लव ऑफ योर लाइफ. बट आई फील के जो भी सिचुएशन रही है आपके पर्सन को पता है दे हैड बीन इमेच्योर, वेरी इमेच्योर. बट यू नो वॉट कीप्स दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू इज़ के एक इनोसेंस है इस प्यार में, एक इनोसेंस ऑफ प्योरिटी है जो आपकी तरफ है उनकी. दे फील वेरी अट्रैक्टेड एंड येट एट द सेम टाइम दे फील वेरी प्योर अबाउट यू. वो चीज़ बार बार अट्रैक्ट करती है आपके पर्सन को आपकी तरफ. टू ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील आपके पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं. रिसेंटली उन्होंने मुझे लग रहा है आपकी प्रोफाइल्स वगैरह वो चेक करते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, कॉमन फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं. लेकिन दे ऑल्सो प्रिटेंड टू बी वेरी बिजी, लाइक दे आर बिजी, दे डोंट केयर, दे आर इनडिफरेंट. एंड आई फील दैट्स प्रिटी इमेच्योर ऑफ योर पर्सन, बिकॉज दे डू लाइक यू, दे वॉन्ट यू, दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो मेच्योरिटी लेवल है वो एक छोटे बच्चे जैसा है, विच इज़ वेरी सैड. Six of Wands, I want to be successful with you, I want to win you, and I feel हो सकता है कुछ बॉडी इश्यूज हैं आपके पर्सन को, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. ऑनेस्टली दे माइट बी हैविंग सम बॉडी इशूज ऑल्सो, लाइक उनका वेट अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, बहुत कुछ ऐसा भी चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में. आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अपने दिल को, पूरे जज्बात आपको खोल के, यू नो लाइक दे वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ हाउ दे फील, बट दे कांट. लाइक दिस पर्सन इज हाइडिंग, यू नो लाइक दे आर हाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स. द टावर, वाओ, आई फील डेफिनेटली झटके लग रहे हैं आपके पर्सन को या लगने वाले हैं. आई फील दिस इज़ अ फ्यूचर एनर्जी, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन योर पर्सनस लाइफ जो उनको शेक करेगा और वेक अप करेगा. आई डोंट फील कि आपके पर्सन, यू नो आई डोंट नो हाउ टू से, समवेयर योर पर्सन इज स्टिल हेजिटेंट और वही चीज़ जो है वो एक ग्रोइंग अप एनर्जी उनमें नहीं आ रही है. सो सम टावर मोमेंट इज कमिंग इन देयर लाइफ, सम रिवेलेशन, सम ब्रेक थ्रू विल हैपन, सम शेकअप्स विल हैपन इनकी जिंदगी में जो कि उनको वेकअप करेंगे और आपकी तरफ आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. द टेन ऑफ कप्स, येस आई ऑल्सो फील मे बी ए पर्सन मैरिड हो सकते हैं, दे माइट हैव किड्स और यू आर मैरिड. आई ऑल्सो फील फैमिली कुड बी द रीज़न आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, डिफरेंट रिलीजन कल्चर हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बना हो. आई ऑल्सो फील वट एवर सिक्योरिटी दे हैव, हो सकता है उन्होंने किसी, दे आर नॉट मैरिड, मे बी दे आर जस्ट विद अ थर्ड पार्टी, या वो सिर्फ काम को ही अपना मतलब घर प्यार मानते हैं.
बट वट एवर इट इज दैट मेक्स दिस पर्सन सिक्योर दैट इज गोइंग टू ब्रेक फ्रेंड्स. That the shake-up is coming. This person is going to get a shake-up, a wake-up call from the universe. और जब ये wake-up calls आते हैं friends, ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग prepared ही नहीं होते, क्योंकि सब तो channel देखते नहीं होंगे. आपको भी पता ही है, अगर ऐसा हो रहा होता ना तो फिर दुनिया में तो problems ही कम हो जाती. राइट. पर ऐसा करते नहीं है, सब लोग स्पिरिचुअल भी नहीं होते. सो आई फील दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ शॉक्स रिसेंटली. सरप्राइजेज भी मिलने वाले हैं, झटके भी लगेंगे, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर्ड नहीं है उनके लिए. द एम्परर, येस आई फील इस पर्सन का ईगो बहुत है. दे लव यू, दे वॉन्ट यू, दे डिज़ायर यू, दे कीप थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन आपसे बोलेंगे नहीं, आपकी तरफ नहीं आएंगे. बहाने बहुत है, इमेच्योरिटी, ईगो बहुत है. उनका ईगो को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, और मुझे लग रहा है ये आने वाले नेक्स्ट 10 से 15 दिनों में हो जाएगा. बिकॉज जो नेक्स्ट फुल मून है, या तो अभी इसी मंथ हो जाएगा, या जो नेक्स्ट मंथ का फुल मून है, जब तक हो ही जाएगा फ्रेंड्स. सो वाओ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. आई डू फील फ्रेंड्स दिस पर्सन विल बिकम, उस झटके और सडन ब्रेक थ्रूज के बाद, जो है अवेकनिंग के बाद, ये पर्सन थोड़े और बैलेंस में आएंगे. दैट्स द टाइम जब वो आपको मैसेज करेंगे. सो आई फील Yes, two of cups, that's the time you and this person will be more close. I also feel के हो सकता है 10 घंटे, 10 दिन, 10 हफ्ते में ये person आपसे बात करें, call करें, या आप दोनों की by chance ही कोई ना कोई meeting हो जाएगी. And I also feel कि आपके person की life में कोई एक ऐसा change आ रहा है, जिसके बाद वो खुद आपको हो सकता है call करके बोलें कि अरे यार, see something happened like this in my life and you know, या ऐसा हो गया, या आपको वो अपने कॉमन फ्रेंड्स को बताएंगे आपके बारे में, यू नो कि ऐसा हो गया, और वो आपको बता दें. सो समथिंग लाइक दैट. बट डेफिनेटली अ चांस ऑफ अ रिलेशनशिप, अ रीयूनियन इज कमिंग. बैलेंस, यस, आपके पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में ये ऑप्शंस भी खुलेंगे. द डेविल, या आई स्टिल फील के इस पर्सन का एक नेगेटिव साइड भी है फ्रेंड्स. नो मैटर हाउ मच यू लव दिस पर्सन एंड हाउ मच दे लव यू, देर इज़ डेफिनेटली एन अग्रेसिव साइड टू दिस पर्सन. या ये कह सकते हैं कि इस पर्सन की कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे उनका ईगो हो सकता है. कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की वीकनेस थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए वीकनेस इनका गुस्सा हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए वीकनेस इनका ये हो सकता है कि दे वॉन्ट यू बट दे विल नॉट कमिट टू यू. सो देर विल, इवन दो ये 10 घंटे, 10 दिन, 10 हफ्ते में आपसे बात करेंगे, बट स्टिल देर इज अ डार्क साइड टू दिस पर्सन. लेट्स क्लैरिफाई दैट. और हो सकता है, या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट है. आई फील द डार्क साइड इज ये पर्सन बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है फ्रेंड्स. जितने ऑनेस्ट मतलब हमारे व्यूअर्स हैं ना, उतने वो ये ऑनेस्ट नहीं है, या कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उतना क्लियरली. एंड आई फील आप जब ये 10 घंटे, 10 दिन या 10 हफ्ते में आपको मैसेज करेंगे, और चीज़ें अचानक से एक साथ आपके लिए आएंगी, यू विल आस्क दिस पर्सन सम टफ क्वेश्चंस. यू विल आस्क देम एंड यू वांट टू बी श्योर कि ये इनकी डार्क साइड जो है, जो वीक साइड है, वो इम्प्रूव हुई है या बैलेंस आउट हुई है या नहीं. बिकॉज देर इज़ डेफिनेटली दिस के ये या तो थोड़े से ट्रुथ को घुमा जाते हैं, या कुछ तो है फ्रेंड्स. हो सकता है डिप्रेशन, एन्जाइटी हो, सब्सटेंस अब्यूज, सॉरी टू से, जैसे मैंने कहा बॉडी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा हमको यू नो ऑब्सेशन हो सकता है इस पर्सन को आपको लेके. They might be very obsessive or jealous about कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो they'll be very very jealous. Although उनकी लाइफ में already third party, but उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. Oh God, this आप कम्युनिकेट करोगे फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा, बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी लाया, या यू आर गोइंग टू बी लाइक टफ लव विद दिस पर्सन. यू आर लाइक बताइए, हाँ कहिए क्या चल रहा है, और लेट्स हैव दिस टॉक. लाइक यू नो, एक बॉस अपने इंटरव्यूअर से कैसे बात करता है फ्रेंड्स, आपको पता है ना, दे लाइक दे शो दे आर द बॉस. सो आप भी ऐसे ही बात करोगे. आई ऑल्सो फील के हो सकता है काफ़ी नर्वस हो आपके पर्सन जब वो आपसे बात कर रहे हैं. हो सकता है कोई हेल्थ इशू या कोई तकलीफ ही शेयर करने आएंगे वो आपसे 10 घंटे, 10 दिन, 10 हफ्तों के अंदर. सो कीप दैट इन माइंड, ट्राई टू बी काइंड और पोलाइट. Because I feel this person is going through a lot. They do have some issues going on. Milk. Yeah, I feel you are the comfort for this person. You are the comfort. You are the, you know, the nourishment, the happiness they are looking for.
ये आई फील बहुत ही मैग्नेटिक ये कनेक्शन है, इसीलिए आपके पर्सन आपको लगातार सोचते रहते हैं और आपको दिखा नहीं रहे हैं, बट दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। दे ऑल्सो प्रिटेंड कि वो बहुत बिजी हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्रीचर्स पॉ, आई फील लाइक दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट टू लेट यू गो, दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। वो आपकी यादों को नहीं जाने देना चाहते, वो आपको नहीं जाने देना चाहते, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक I want you, I will keep you, and also at the same time they don't want to commit. तो ये बहुत ही एक अजीब सा यहाँ पे issue है। The book, I feel काफ़ी कुछ है जो इस person की life में आप हो रहा है जो आपको नहीं पता है, so I would suggest you to learn, you know, जब भी आपको call वगैरह करें तो get to know this person better. अगर especially a new person है तो you may not actually know them very well. So it's a good idea to get to know them. अगर ये आपके कलीग या बॉस भी हैं तो remember they have a dark side. I would say a dark side, but I would say some imbalanced issues है इस person की life में, से गुस्सा बहुत तेज है या you know कोई बात छोटी सी hurt इनको बहुत कर जाती है. So there is something happening with this person. So try to get to know them better, okay? Rabbit, they have a attraction बहुत है उनका आपकी तरफ. Lion, they also want to be like the best for you, you know, they want to be this alpha male, alpha female for you. So yeah, what else? How is our viewers person feeling? Let's see. Okay, self-esteem, yeah, I told you this person has low self-esteem issues, friends. और स्पेशली अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट करा है या किसी और के लिए छोड़ा है तो वहाँ से तो इनको खुशियाँ मिली नहीं है, तो अब इनका सेल्फ एस्टीम और भी कम हो गया है कि इनको आपके पास वापस आना पड़ रहा है या आपसे बात कर रहे हैं या इनको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है. सो देयर सेल्फ एस्टीम इज़ डेफिनेटली टेकन अप लो. जी हाँ, चेंज, एंड आई फील दे वॉन्ट टू चेंज दिस थिंग, फ्रेंड्स. डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ पे यू नो अच्छा नहीं लग रहा उनको. सो दे वॉन्ट टू चेंज थिंग्स इन देयर लाइफ. Worried, they keep thinking about you. They are worried how you are doing. आप खुश हो ज़िंदगी में, नहीं हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. Imagination, yeah, they keep imagining you, fantasizing about you. Forgiveness, they want your forgiveness, friends. I don't know आप इनको forgive करोगे या नहीं, पर चाहते तो यही है ये forgiveness आपकी. Acceptance, accept कर लो, मैं जैसा भी हूँ वैसा. I think it's pretty amazing, friends. You know, हर बार सब चाहते हैं कि you know दूसरों से चाही जाती है forgiveness, but क्या वो आपको forgive करेंगे अगर आपने उनके साथ ऐसा कुछ किया होता. So that's one question I think you should ask this person, because I feel there is something more which is going on in this person की life में. When even when they come back, there is something more that you need to ask this person. So उनको बेहतर आप जानिए और समझिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी. Let's see what will happen in the future of this connection. Let's see. Never ending story number 37. So कुछ issues हैं जो बार बार ही इस connection में हो रहे हैं, friends. So yes, I do feel आपके पर्सन डेफिनेटली वापस आपसे बात करेंगे. देर विल बी अ यूनियन, री यूनियन, बट अगेन सम इश्यूज़ विल हैपन. हो सकता है आपको ना लगे कि यू नो यू माइट नॉट बी एबल टू फॉरगिव दिस पर्सन. आई ऑल्सो फील आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ऐसे भी बिहेव करते हैं, लाइक यू नो मजबूर था मैं क्या करूँ, आई वॉज वेरी यू नो आई कुडंट हेल्प इट. सो दैट्स टू द सी आई कॉन्ट फर्गेट यू. नंबर 777 नेपच्ट्यून का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लग रहा है. डेफिनेटली जो नेपच्ट्यून एनर्जीज भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मर्करी रेट्रोग्रेड एनर्जीज भी हैं, तो वो काफ़ी हो सकता है आपके पर्सन को मजबूर कर दें आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए. बट आई वुड सजेस्ट यू टू टेक इट एज इट इज़, बिकॉज मर्करी फिर डायरेक्ट हो जाएंगे, फिर हो सकता है उनका मूड चेंज हो जाए. सॉरी बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर. ऑब्जर्वर, दे कीप वॉचिंग यू, फ्रेंड्स. सो आई फील डेफिनेटली आप भी उन पे नज़र रखोगे आने वाले दिनों पे, और वो भी आप पे रख रहे हैं. आई डू फील कि आप दोनों के बीच कुछ बात होगी जिसको लेके हो सकता है आपके पर्सन रो दे, या यू नो देर बी वेरी इमोशनल अबाउट अ कन्वर्जेशन जब भी वो आपसे बात करेंगे. मेंडिंग, या दिस देर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी हीलिंग इस कनेक्शन में जो होगी. मुझे ऐसा भी लग रहा है जब आपके पर्सन आपसे कॉल वगैरह पे बात करते हैं या फेस टू फेस बात करेंगे, see what happens, wait and watch approach लो आप, क्योंकि मुझे लग रहा है there is more to the story.
जो वो आपसे उस दिन कह रहे हैं उसके आगे भी कुछ स्टोरी है. सो वेट एंड वॉच. ओके सोलमेट्स, या दिस पर्सन एंड यू आर डेफिनेटली सोलमेट्स फ्रेंड्स. एंड वाई आई थिंक नंबर 31, आई थिंक आपके पास भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सवाल हैं इस पर्सन को या इस रिश्ते को लेके वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएंगे. सो इफ़ यू हैव सम बर्निंग क्वेश्चन इस पर्सन से कि यार ऐसा कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कैसे कर लिया आपने, या वॉट इज़ दिस नेचर दैट यू कीप रिपीटिंग दिस पैटर्न, सो यू विल गेट टू नो सम क्वेश्चन. आपका कुछ सवाल है जो आंसर आपको मिल जाएगा जिसका आने वाले दिनों में. ये स्टे पॉजिटिव फ्रेंड्स. आई फील ये पर्सन आपको गिफ्ट वगैरह भी भेजने वाले हैं या कुछ मैसेजेस भेजेंगे. सो गेट रेडी फॉर दैट. व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड फ्रेंड्स? फ्लो, या फ्लो विद द फ्लो. डोंट ट्राई एंड यू नो, मैं कहूँगी आपको, सजेस्ट करूँगी आप मत कोशिश करो इस पर्सन को मैसेज करने की या यू नो ज़्यादा इस कनेक्शन पे. यू नो जैसे चल रहा है चलने दो, थिंग्स विल डेवलप ऑन इट्स ओन. दैट्स व्हाट आई फील. फ्लो विद द, गो विद द फ्लो. ओके गोइंग फॉरवर्ड, यस कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप फोकसिंग ऑन योर लाइफ. फ्रीडम फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है यू विल नॉट बी इम्प्रेस्ड ऑल्सो अगेन अगर आपके पर्सन कॉल करते हैं. स्टिल यू विल चूज फ्रीडम. वो भी सही है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है दिस पर्सन इज़ नॉट, हैवन चेंज दैट मच, या जो भी चेंज है वो आपको लग रहा है कि यू नो इट्स नॉट इनफ फॉर यू. सो यू आर फ्री, यू नो यू कैन चूज एनीथिंग यू लाइक. स्टैंड स्टिल. आई ऑल्सो फील के कहीं ना कहीं आप भी एक पॉज पे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. सो आई थिंक देर इज़ अ क्लोजर दैट विल हैपन, या जो भी कॉल वगैरह है उससे आपको भी एक क्लैरिटी मिलेगी. देर आर सर्टन बर्निंग क्वेश्चन इन योर माइंड अबाउट दिस पर्सन. सो वो चीज़ें क्लियर होंगी आने वाले दिनों में. वॉयज, या आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आपको ट्रैवल पे आपको ये पर्सन मिल जाए कहीं. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आपको भी थोड़ा सा एक ओपन माइंड रखना है अबाउट दिस कनेक्शन. मे बी थिंग्स आर डिफरेंट दैन वॉट यू एज्यूम. हो सकता है आप सोच रहे हो पर्सन बहुत खुश है, बहुत सारे लोगों के साथ हैं, बट आई थिंक इट्स द अपोजिट. दे आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इशूज़, या बहुत मुश्किलों में हैं आपके पर्सन. सो दैट कैन ऑल्सो बी ट्रू, राइट? लेट्स सी सम एडवाइस. एक्सपैंड योर होराइजन्स. आई फील इट्स टाइम कि आप एक्सपैंड करो और यू नो और चीज़ें सीखो, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लो. होल्ड द कोर्स. या आई ऑल्सो फील दैट इफ़ यू रियली फील दिस इज़ द वन फॉर यू फ्रेंड्स, देन कीप फोकसिंग ऑन द लव. Try not to focus too much on the past, and yes, expect a miracle to happen in this connection definitely. And a new cycle is going to start aapke is connection ke andar. Kafi sare logon ke liye ek fresh start hoga. Maybe you guys can you know reunite and start something amazing. So that is also there, but it's slow start hai ye. I will not say ki bahut hi matlab ek, you will take a wait and watch approach. So what your person wants to say to you? Commitment. I willingly accept that it is safe to topple my walls and commit completely to a relationship. It might be one that's already here or that's coming for you. So definitely aapke person aapko commitment dena chahte hain, aur mujhe lag raha hai commitment ko leke hi issues the inke. Vulnerability. They want to share their heart and mind with you. रिलायबिलिटी, या आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो रिलायबल हैं. हो सकता है वो कभी टाइम पे कॉल मैसेज नहीं करते थे, या बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थे टाइम पे, यू नो उनका टाइम वैल्यूबल, आपका टाइम कुछ नहीं, तो वो उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं. थॉटफुलनेस. या आई फील दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू गिफ्ट्स, एंड छोटी छोटी चीज़ों में वो आपको बताना चाहते हैं कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे मिस यू अ लॉट, एंड परफेक्ट मैच. यस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली आपके परफेक्ट मैच हैं. उनको भी यही लगता है कि यू आर द परफेक्ट मैच, और अब जाके लगा है जब यू नो दे गॉट समबडी एल्स इन देयर लाइफ. बेनिफिट ऑफ द डाउट. आई फील डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो. दे फील वेरी सेंशुअल, और सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ. बाउंड्रीज. या आई फील डेफिनेटली आपके पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे तो. दे डू रिस्पेक्ट के, या आपकी भी सर्टन एक बाउंड्रीज हैं.
दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट. हो सकता है फ्रेंड्स आपका बर्थडे आ रहा हो या इस पर्सन का बर्थडे है जिस दिन वो आपको कॉल करेंगे, सो गेट रेडी फॉर दैट. आई ऑल्सो फील आपके पर्सन बाउंड्रीज का ये भी है कि वो आपको पुश कर रहे थे अपने से दूर, तो अब दे वॉन्ट यू इन टू देयर लाइफ, सो दैट्स समथिंग दे वॉन्ट टू टेल यू. अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स. मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.